टर्की से खबर है जहां कुदरत ने कोहराम मचा दिया। भूकंप से कई शहर तबाह हो गए, दर्जनों लोग मारे गए हैं और 800 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप से कांपते मकान, ताश के पत्तों की तरह जमींदोज होती बहुमंजिला इमारतें, ढहती इमारतों से उठता सफेद रंग का गुबार, भूकंप से बर्बाद होता तुर्की का ये इज्मिर शहर। भूकंप के बाद सुनामी से ग्रीस के सामोस शहर में हाहाकार मचा है, समंदर में तबाही मची है, सड़कों पर पानी और पानी में बहती गाड़ियां बता रही हैं कि जलजला कितना भयानक था। तुर्की के तटीय शहर इज्मिर से लेकर बोर्नोवा और बेराकली की सैकड़ों इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। तुर्की और ग्रीस में आई तबाही से जुड़ी इन 12 तस्वीरों को देखिए। भूकंप से हाहाकार मचा है, इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, शहर समंदर में तब्दील हो चुका है, इज्मिर शहर खंडहर बन चुका है, हर तरफ धुएं का गुबार है, कई पुल टूट गए, इस्तांबुल में बाढ़ आ गई, जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। ग्रीस में भीषण झटके महसूस किए गए, दर्जनों लोगों की मौत हुई, 800 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, इमारतों के मलबे के नीचे सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका है। भूकंप का केंद्र ग्रीस के सामोस द्वीप के नजदीक था। वैज्ञानिकों की माने तो रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र जमीन से कम गहराई में होने से पूरे ग्रीस से लेकर तुर्की तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जमीन के भीतर मौजूद बड़ी फॉल्ट लाइन के ऊपर बसे होने से तुर्की की गिनती उन देशों में होती है जहां सबसे अधिक भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप की वजह से इज्मिर शहर की कम से कम 50 से ज्यादा इमारतें बुरी तरह ढह गईं। लोगों को मलबे से निकालने और उनकी जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। सैकड़ों लोगों के मारे जाने या घायल होने की आशंका जताई जा रही है। तुर्की कुदरत के कहर के साए में है, जहां हर तरफ चीख पुकार और खौफ की चीत्कार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।